बांझपन किसी भी कपल को निराश और तनाव की ओर ले जाता है। अवेयरनेस की कमी के कारण ये समस्या और भी बढ़ जाती है। ऐसे कपल जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, खास उनके लिए आज का निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ा हमारा एक खास कार्यक्रम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ कंचन डोगरा नेगी। निसंतानता के इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से दुनिया भर में ऐसे कपल पेरेंटहुड को एंजॉय कर रहे हैं जो गोद भरने का सपना भूल चुके थे। इस सब्जेक्ट पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदिरा आईवीएफ के चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट नितेश बोडिया, इंदिरा आईवीएफ पटना की डॉक्टर अनुजा सिंह और इंदिरा आईवीएफ कानपुर की डॉक्टर ज्योति पांडे। अगर आप निसंतानता से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप। आज के प्रोग्राम का सबसे पहला सवाल डॉक्टर अनुजा आपसे लेते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी में ऐसा क्या नहीं हो पाता कि आईवीएफ की जरूरत पड़ने लगती है? पहले हमें ये समझना होगा कि नेचुरल प्रेगनेंसी आखिर कैसे होती है। हर महिला में एक बच्चेदानी होती है जिसे हम यूट्रस बोलते हैं। बच्चेदानी से लगे होते हैं दो ट्यूब जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और फेलोपियन ट्यूब के साइड में लगे होते हैं दो अंडाशय जिसको हम ओवरीज बोलते हैं। हर महिला में हर महीने दोनों में से किसी एक ओवरी यानी कि अंडाशय में से एक अंडा बनना शुरू होता है। वो जब पक के फट जाता है तो उस ट्यूब में आता है। उसी समय यदि संभोग होता है तो वीरस में जो शुक्राणु होते हैं योनि में आते हैं, योनि से वो बच्चेदानी में आते हैं, बच्चेदानी से वो ट्यूब में आते हैं, जहाँ पे एक अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इंसानी बच्चे का पहला रूप की उत्पत्ति होती है यानी कि इम्ब्रियो की। ये जो भ्रूण होता है उसको वो धीरे धीरे करके 3 से 5 दिन में गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आने के बाद यहीं पे 2 से 4, 4 से 6, 8, 8 से 16, 16 से 32 और धीरे धीरे इंसानी बच्चे का रूप ले लेता है। 9 महीने तक यहीं पलता बढ़ता है, इसी रास्ते बाहर आता है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या क्या सही चाहिए? महिला की अंडाशय, अंडे, उनकी ट्यूब, उनकी गर्भाशय, और चौथी इम्पोर्टेंट चीज है शुक्राणु। यदि चारों में से किसी में भी कोई डिफेक्ट्स आया हो या किसी भी दिक्कत आई हो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में दिक्कतें आ सकती हैं। मान लीजिए किसी की ट्यूब यदि डिफेक्टिव है, ट्यूब जो है वो बंद पड़ी हुई है, तो जो ट्यूब होती है महिलाओं में वो 10 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है जिसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं यानी कि रेशे होते हैं जो अंडे को पकड़ने का काम करते हैं और अंडे और शुक्राणु को मिला के भ्रूण बनाने का काम करते हैं, और धीरे से यही जो सीलिया होते हैं वही भ्रूण को ढकेल के बच्चेदानी में डालते हैं। यदि ये ट्यूब किसी भी इन्फेक्शन के कारण डैमेज हो गई या बंद हो गई या सीलिया काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो अंडे और शुक्राणु मिलेंगे नहीं, भ्रूण बनेगा नहीं और इनको इनफर्टिलिटी का शिकार होना पड़ेगा। तो पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसी महिलाएं कैसे मां बन सकती हैं, तो उन्होंने आईवीएफ का इजाद किया। आईवीएफ में क्या किया जाता है, महिला के अंडाशय में से अंडे बाहर निकाले जाते हैं, उनके पति के वीर्य से शुक्राणु लिए जाते हैं और ये अंडे और शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है, भ्रूण बनता है जो नॉर्मली ट्यूब में बनते हैं, यानी कि ट्यूब इसमें बाईपास होता है और 3 से 5 दिन वाला जो भ्रूण है वापस महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है जहां वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की जैसे पलता बढ़ता है 9 महीने तक, फिर बाहर आता है। तो यानी कि आईवीएफ का प्रोसेस में ओनली जो होता है सिर्फ ट्यूब का जो पार्ट है वो काम बाहर किया जा रहा है, बाकी सारा काम महिला के गर्भाशय में हो रहा है। तो यदि किसी की ट्यूब खराब है तो उसके लिए आईवीएफ सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि 1 साल ट्राई करने पर भी कंसीव नहीं होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर ज्योति, एक कॉलर का सवाल है, उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं, चेकअप रिकॉर्ड में एंड्रोमेट्रियोसिस बताया गया है, लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन भी करवाया और 2 साल से सभी तरह के इलाज करवा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एंडोमेट्रोसिस एक बहुत ही आम समस्या है आजकल। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें जो बच्चेदानी की अंदर की परत होती है वो बच्चेदानी के बाहर या अंडाशय या फिर पेशाब की थैली एक्सेट्रा इन जगहों पर ग्रो करने लगती है। तो इससे अंडाशय में बड़ी बड़ी खून की गठान बन जाती है जिन्हें चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। जो ट्यूब है वो भी ग्रसित होते हैं, वो कॉइल्ड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, दूसरे से मुड़ जाते हैं
तो बेसिकली जो अंडाशय ट्यूब है दोनों बुरी तरह से ग्रसित होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, जिससे कि निसंतानता की समस्या पैदा होती है। तो जो पेशेंट ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ये समस्या है एंडोमेट्रियोसिस की और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए IVF काफी बेटर ऑप्शन है, एक तरह से काफी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि और ये इलाज जो IVF का, ये अगर आप समय से लेते हैं तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। मतलब कि अगर टाइमली आप ट्रीटमेंट लेते हैं IVF का, तो इसमें हम आपकी एग्स को स्टिमुलेट करके आपके एग्स से IVF कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट है जिसमें एंडोमेट्रोसिस काफी लंबे समय से या फिर सीवियर एंडोमेट्रोसिस है, तो उसमें जो अंडाशय है वो बुरी तरह से ग्रसित होता है, सिस्ट काफी बड़ी बन जाती है, तो हमें डोनर एग लेना पड़ सकता है ऐसे मरीजों में। तो IVF का ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं एंडोमेट्रोसिस में, तो जितनी जल्दी ले टाइम से ले उतना आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे इसमें। तो इलाज के बाद 6 महीने में नॉर्मल कंसीव नहीं होने पर नई टेक्निक को अपनाना चाहिए। निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप सीधा आपका डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। नितिश मोडिया, आपसे मेरा ये सवाल है, कहा जाता है कि IVF की सक्सेस में भ्रूण वैज्ञानिक की सबसे बड़ी भूमिका होती है, लैब में किस तरह का काम रहता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट का? एम्ब्रियोलॉजिस्ट या जिसको भ्रूण वैज्ञानिक बोलते हैं, उनका काम होता है अंडे और शुक्राणु को लैब में मिलाना, उससे भ्रूण बनाना और उस भ्रूण को सेलेक्ट करके ट्रांसफर के लिए तैयार करना। आज की डेट में अगर बात करी जाए तो जो IVF प्रोसेस है उसके अंदर 70% जो सक्सेस रेट है वो एम्ब्रियो पर डिपेंड करता है, और एम्ब्रियो का अच्छा बनना या अच्छा न बनना काफी हद तक एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट की जो भूमिका है या जो रोल है वो IVF प्रोसेस में बहुत अहम है। इसीलिए जब भी एक IVF सेंटर का चुनाव आप करें, ये देखना बहुत जरूरी है कि वहां एम्ब्रियोलॉजी लैब कैसी है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस कैसा है और कितने अच्छे सक्सेस रिजल्ट वो दे पा रहे हैं। डॉक्टर अनुजा, हैदराबाद से हमारे साथ एक कॉलर अहमद जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल पूछ लेते हैं। अहमद, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम अहमद है, पिछले 5 साल से शुक्राणुओं का इलाज करा रहा हूँ। डॉक्टर, मेरे डेड स्पर्म की संख्या ज्यादा बताते हैं, मेरे लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा? डॉक्टर अनुजा, क्या कहेंगे आप? हाँ, कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनके शुक्राणु की काउंट तो नॉर्मल होती है, लेकिन उसमें सही शुक्राणु, नॉर्मल शुक्राणु कम होते हैं। जैसे आपके कंडीशन में है कि शुक्राणु की मात्रा तो ठीक है, लेकिन उसमें डेड स्पर्म ज्यादा है, यानी कि जिंदा स्पर्म्स कम है। तो ऐसे में देखा गया है कि 3 से 6 महीने जो नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है, ये सब दवाइयों से बहुत अंतर नहीं पड़ता। इसमें सबसे बेटर है IVF, IVF से भी एडवांस टेक्निक ICSI, क्योंकि ICSI के टेक्निक में हमें बहुत सारे स्पर्म्स नहीं चाहिए। जैसे IVF में भी 20 से 30 हजार स्पर्म्स हमें चाहिए होते हैं, लेकिन ICSI ऐसी टेक्निक है जिसमें यदि पुरुष के एक भी शुक्राणु है तो उससे भी वो पिता बन सकते हैं। ICSI में क्या किया जाता है, महिला के एक अंडा लिया, उसमें एक इंजेक्शन के माध्यम से एक शुक्राणु को महिला के अंडे के अंदर डाला गया, जिससे भ्रूण की उत्पत्ति हुई लैबोरेटरी में। उस भ्रूण को वापस महिला के गर्भाशय में डाल दिया गया, 3 से 5 दिन वाले भ्रूण को। तो इसमें ट्यूब भी बाईपास हुआ, और यदि किसी के कम शुक्राणु है तो वैसे भी पुरुष पिता बन सकते हैं ICSI के माध्यम से। तो ICSI जो है एक बूंद साबित हुआ है वैसे पुरुषों के लिए जिनमें शुक्राणु की प्रॉब्लम है, उनका अमाउंट कम है, मात्रा की कमी है, या उनमें जिंदा स्पर्म्स कम है, डेड स्पर्म्स ज्यादा है, यानी कि मरे हुए शुक्राणु ज्यादा है। तो अहमद जी, आप घबराइए नहीं, आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वहां आपका ट्रीटमेंट जरूर अच्छे से होगा, ICSI के माध्यम से आप पिता बन सकते हैं। तो डेड स्पर्म में भी ICSI से फायदा हो सकता है। डॉक्टर ज्योति, किन समस्याओं में IVF तकनीक से लाभ हो सकता है? देखिए, ऐसी महिलाएं जिनमें ट्यूब अनहेल्दी है, यानी जो उनकी नलियां हैं उसमें कोई सूजन है या पानी भरा हुआ है या ब्लॉकेज है, तो ऐसी महिलाओं में IVF से लाभ हो सकता है। या फिर ऐसे पेशेंट हैं जिसमें एंडोमेट्रोसिस, जैसे मैंने पहले भी बताया, या सूजन है बच्चेदानी में, एडिनोमायोसिस है, इनमें हम IVF से प्रेगनेंसी हो सकती है। वो महिलाएं जिनमें PCOS की समस्या है, जो कि आज की बहुत कॉमन समस्या है, इसमें कि अंडे मैच्योर नहीं होते, इनमें भी IVF से प्रेगनेंसी पॉसिबल है।
ऐसी महिलाएं जिनकी महावारी बंद हो चुकी है, उम्र काफी ज्यादा है, मीनोपॉजल है, तो इनमें भी IVF से प्रेगनेंसी हो सकती है। आजकल कपल्स काफी लेट मैरिज कर रहे हैं, आजकल ये ट्रेंड है, तो ऐसे में नेचुरल तरीके से कंसीव करने का रेट काफी कम हो जाता है, तो ये कपल भी IVF तकनीक से जो है संतान प्राप्ति कर सकते हैं। कई बार ऐसे कपल होते हैं जिनके बच्चे होते हैं, फिर नसबंदी करा लेते हैं, फिर आफ्टर देन वो अगेन अगर बच्चा चाहते हैं तो IVF से फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल है, क्योंकि ट्यूब खुलवाने का ऑपरेशन कई बार करवाते हैं कपल जो कि सक्सेस नहीं होता है। ऐसे कपल्स जिनमें कि सब कुछ नॉर्मल है, कई बार ऐसे कपल भी आप पेशेंट्स आते हैं जिनमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, काफी लंबा समय हो जाता है शादी का, तो उनको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट कहते हैं। तो इनमें भी IVF एक काफी अच्छी तकनीक है, इनसे प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे कपल्स जो IUI कई बार करा चुके होते हैं, 3 बार 4 बार या कई लोग 5 बार से ज्यादा कराते हैं और बार बार नेगेटिव आता है, तो उनमें IUI में बार बार समय नहीं वेस्ट करके IVF बेस्ट ऑप्शन रहता है और इसमें सक्सेस के चांस भी अच्छे रहते हैं। डॉक्टर अनुजा, कई कपल्स दोनों की नसबंदी करवा लेते हैं और बाद में फिर से संतान चाहें, तो क्या उनके लिए ये प्रक्रिया कारगर साबित है? यदि किसी कपल ने नसबंदी के ऑपरेशन करवा दी, नसबंदी का मतलब हुआ यदि महिलाओं में नसबंदी की ऑपरेशन हुई तो इसका मतलब है कि उनकी ट्यूब को काट के हटा दिया गया है, ट्यूब का 2 सेंटीमीटर ट्यूब या बांध दिया गया है। और पुरुष में भी वही हुआ कि जो उनकी वास डिफरेंस होती है उसको थोड़ा सा छोटा सा एक निक लगा दिया, एक काट दिया गया है। अब मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो ट्यूब होती है बिल्कुल नूडल से इतनी पतली होती है और 10 सेंटीमीटर की होती है, यदि 2 सेंटीमीटर हमने काट के हटा दिया तो वापस से यदि हम जोड़ने का काम करें, जो पहले के जमाने में किया जाता था ट्यूबल रिकैनलाइजेशन जो बोलते हैं, तो किसी तरह से हम ट्यूब को जोड़ तो लेंगे लेकिन उसमें सफलता का चांसेस हार्डली 10-15% ही रहता है, क्योंकि उसके ट्यूब सिर्फ खुली होने से मतलब नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और जिसका मेन काम है अंडे को पकड़ना, अंडे और शुक्राणु को मिलाना, जो भ्रूण बने उसको गर्भाशय में वापस ढकेलना। यदि वो सीलिया काम नहीं करेंगे तो यदि हम ट्यूबल रिकैनलाइजेशन यदि कि महिला में ट्यूब को जोड़ भी लें तो उनमें सक्सेस ना होने का चांसेस ज्यादा है, पैसे की बर्बादी और टाइम की बर्बादी तो है ही, साथ ही में गलत जगह प्रेगनेंसी रुकने का भी डर रहता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, यानी कि ट्यूब में प्रेगनेंसी रहना, जो महिला के लिए बहुत ही खतरे की बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी वैसी महिलाएं आजकल के आधुनिक युग में IVF का सहारा ले सकती हैं, क्योंकि IVF में यही ट्यूब का जो काम होता है उसको बाईपास किया जाता है, मतलब महिला के जो अंडे होते हैं उन्हें हम बाहर निकालते हैं, उनके पति के शुक्राणु के साथ बाहर मिलाते हैं लैब में, और वो जो भ्रूण बनता है उसको गर्भाशय में डाल देते हैं। तो यदि उनकी ट्यूब बंद भी है तभी भी वो माँ बन सकती है। वैसा ही किया जा सकता है उनके पति में भी, यदि पति में नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है तो उनके सीमन में नील शुक्राणु मिलेंगे, तो नेचुरली वो नॉर्मल प्रोसेस से कैसे पिता बन सकते हैं। तो उनमें रिकैनलाइजेशन के बजाय हम ये कर सकते हैं टेस्टिकुलर बायोप्सी। टेस्टिकुलर बायोप्सी में क्या करते हैं हम कि एक छोटी नीडल से अंडकोश में से, पुरुषों के अंडकोश में से हम नीडल से एस्पिरेट करते हैं शुक्राणु को, और हमें इक्सी की पद्धति से उनको हम पिता बना सकते हैं। मतलब इक्सी की पद्धति में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक भ्रूण बनाने के लिए एक अंडा और एक ही शुक्राणु की जरूरत है, यदि मुझे 8 से 10 शुक्राणु भी मिल जाते हैं या 2 ही शुक्राणु मिल जाते हैं तो उससे भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे पुरुष बिल्कुल ही घबराए नहीं, वो भी पिता बन सकते हैं। तो IVF तकनीक से नसबंदी के बाद भी फायदा हो सकता है। नितेश मोडिया, जो कपल IVF करवाना तो चाहते हैं, उन्हें कैसे पता चले कि अच्छे IVF लैब के क्या मायने होते हैं जिससे उन्हें सफलता मिल सके? अक्सर मरीजों के दिमाग में सवाल होता है कि हम IVF सेंटर का चुनाव कैसे करें, और अक्सर ये लोग जो चुनाव करते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट, IVF का जो कॉस्ट होता है। बट मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो IVF का सक्सेस रेट है वो इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस IVF सेंटर का चुनाव करते हैं। IVF सेंटर काफी है और मरीज के लिए एक IVF सेंटर एक IVF सेंटर के जैसा ही होता है, बट उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी सक्सेस रेट निर्भर करती है।
जैसे कि आईवीएफ सेंटर में जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स या जो डॉक्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने टफ केसेस कर चुके हैं, आईवीएफ साइकिल्स एक पर्टिकुलर सेंटर में कितनी होती है, और दूसरा जो लेबोरेटरी की बात करूं या एम्ब्रियोलॉजी लैब की अगर मैं बात करूं, तो एम्ब्रियोलॉजी लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई जा रही है, वो कितनी एडवांस है, क्योंकि जहां ज्यादा एडवांसमेंट है वहीं होने की संभावना अधिक है। एम्ब्रियोलॉजी लैब में हर वो चीज का ध्यान रखा जाता है जिससे पेशेंट के जो एम्ब्रियोज हैं उसको एक अनइंटरप्टेड कल्चर कंडीशंस प्रोवाइड करी जाए जिससे अच्छा क्वालिटी का भ्रूण बने। उसके कारण जो पेशेंट की सक्सेस रेट है वो ज्यादा से ज्यादा अचीव करी जा सके। तो आईवीएफ लैब में लेटेस्ट इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि सफलता बढ़ाई जा सके। निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप डॉक्टरों से सीधा बात कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नीतिज मौर्या, एक बात हमेशा शक में रहती है कि आईवीएफ से लाखों निसंतान दंपत्ति को लाभ मिल सकता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आईवीएफ से मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। क्या ये है कि आईवीएफ से मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, क्या ये बात सही है? अक्सर जब आईवीएफ का इन्वेंशन हुआ था 1978 में और उससे लेकर करीबन 20-30 साल तक, क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट 20-25% ही हुआ करता था, इसलिए लोगों की ये धारणा थी कि जितने ज्यादा हम भ्रूण ट्रांसफर करें उतने ही होने की संभावना अधिक रहती है। बट धीरे धीरे टेक्निक्स में काफी एडवांसमेंट हुआ है, जो लैब और जो मीडिया है उसके काफी अच्छे आज के डेट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जिससे सक्सेस रेट जो है आईवीएफ का वो बढ़ के करीबन 70-75% के लगभग हो गया है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो भ्रूण की क्वांटिटी ट्रांसफर करी जाती है वो एक या मैक्सिमम दो ही करी जाती है, तो जो पहले मल्टीपल बर्ड्स या ट्रिपलेट्स हो गए या डबलेट हो गए, ये सब जो पहले हुआ करते थे वो आज की डेट में कम हो गए हैं। और दूसरा, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर जो है आज की डेट में अडॉप्ट किया जा रहा है, तो भ्रूण जो है वो एडवांस स्टेज पे जाता है, उसमें से उसका सिलेक्शन करा जाता है ताकि कम से कम भ्रूण ही ट्रांसफर करे जाए। सेकंड, एक और टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं पीजीटी या प्री जेनेटिक टेस्टिंग। उसमें क्या होता है कि जितने भी भ्रूण बने हैं उनकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है। जेनेटिक टेस्टिंग से यह पता लगाया जाता है कि कौन सा भ्रूण स्वस्थ है और कौन सा भ्रूण स्वस्थ नहीं है। इस पर्टिकुलर टेक्निक से हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर या जिसको बोलते हैं एक सिंगल भ्रूण को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो जैसा नितेश ने बताया कि इससे एक से ज्यादा भ्रूण ट्रांसफर किए जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, तो ऐसे में ब्लास्टोसिस्ट से अधिक फायदा हो सकता है। डॉक्टर ज्योति, हमारे साथ सविता एक कॉलर जुड़ गई हैं। सविता, पूछिए आपका सवाल। मेरी उम्र 35 साल है, कंसीव नहीं होने पर डॉक्टर को दिखाया तो मेरी एएमएच टेस्ट वैल्यू सिर्फ 1.2 आई। मुझे अपने ही अंडों से माँ बनना है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी एएमएच की वैल्यू 1.2 है, नॉर्मल जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2.5 से 4 के बीच में होती है। ये समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे महिला में उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ जो अंडे हैं, एग्स हैं, उनकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता और उनके नंबर यानी संख्या दोनों में गिरावट आती है। तो अगर अंडों की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है तो जो भ्रूण बनते हैं उसमें कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो होने वाले बच्चे में कुछ मानसिक विकृति होने की संभावना हो सकती है। और अगर अंडों की संख्या कम होती है तो जब हम आईवीएफ करते हैं तो उसमें भ्रूण भी कम बनते हैं, जिससे कि हमारे सक्सेस के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये दोनों समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आपके केस में देखिए, एएमएच 1.2 है तो अपने अंडों से बिल्कुल आईवीएफ कराने की संभावनाएं हैं, आप अपने अंडों से चल सकते हैं। लेकिन आपके केस में पीजीएस एक नई पद्धति है, प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग, वो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ऐसे में हम उन भ्रूण का चुनाव कर सकते हैं जो हेल्दी हो। तो आपके अंडों से हम आईवीएफ कर सकते हैं और आप पीजीएस तकनीक को अपनाएं ताकि उन एम्ब्रियो को हम प्रत्यारोपित करें जो कि बिल्कुल स्वस्थ एम्ब्रियो हो, ताकि आने हो आगे जो बेबी कंसीव हो उसमें कोई भी विकृति होने की संभावना ना रहे। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आप अपने अंडों से मां बन सकती हैं, अभी संभावनाएं हैं। डॉक्टर अनुजा, आंकड़ों के अनुसार पुरुष भी निसंतानता में 1/3 मामलों में जिम्मेदार है। तो जिन पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो जाती है, शुक्राणु की मात्रा कम होती है, क्या उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? नॉर्मली WHO क्राइटेरिया के अनुसार नॉर्मली पुरुषों में जो शुक्राणु की मात्रा 15 मिलियन से अबव होनी चाहिए, जिसमें 4 से 20% तक
जो नॉर्मल होते हैं शुक्राणु बिल्कुल ही नॉर्मल होने चाहिए, 50% से ज्यादा में मोटिलिटी होनी चाहिए और 30% से ज्यादा में जो शुक्राणु की मोटिलिटी होती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए। यदि 15 मिलियन से ऊपर है तो वो नॉर्मल तरीके से नॉर्मली पिता बन सकते हैं वैसे पुरुष। किसी के शुक्राणु की में कमी है 10 से 15 मिलियन है तो वैसे पुरुष वैसे निसंतान दंपति में आईवाई किया जा सकता है। यदि 10 मिलियन से कम है तो उसमें आईवीएफ बेहतर सॉल्यूशन है। और किसी का यदि 5 मिलियन से कम या नील शुक्राणु है लेकिन पुरुष के अंडकोश में शुक्राणु है, शुक्राणु मिल रहे हैं, तो उसमें हम इक्सी कर सकते हैं। इक्सी आईवीएफ का एडवांस्ड फॉर्म है जिसमें महिला के एक अंडे के साथ पुरुष के एक शुक्राणु एक अंडे में इंजेक्ट किया जाता है जिससे भ्रूण की उत्पत्ति होती है और उस भ्रूण को हम महिला के गर्भाशय में डाल करके उन्हें संतान प्राप्ति करा सकते हैं। तो यदि किसी के पुरुष के शुक्राणु में प्रॉब्लम है तो आजकल बहुत से एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल हैं इनसे जिनसे वो पिता बन सकते हैं। और जैसे मैंने पहले टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए भी बताया, यदि किसी के नील शुक्राणु है तो वो टेस्टिकुलर बायोप्सी से उनका स्पर्म्स निकाला जा सकता है यानी कि शुक्राणु निकाला जा सकता है और इक्सी की मदद से भी वो पिता बन सकते हैं। मतलब कम या फिर नील शुक्राणुओं में भी पिता बना जा सकता है। निसंतानता और उनके उपचार आईवीएफ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे थे। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। आपके कॉल्स भी हमने लगातार लिए लेकिन जिन कॉल्स को हम नहीं शामिल कर पाए कार्यक्रम में समय की कमी के कारण, उन कॉल्स के जवाब आपको हमारे डॉक्टर्स प्रोग्राम के बाद भी दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका डॉक्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कंचन डोगरा नेगी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।